अभी कुछ और खबरों का हम रुख कर लेंगे। संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने की मोहलत मांगी है। संजू बाबा को डर है कि अगर कोर्ट ने उनकी गुहार नहीं सुनी तो उन्हें खासा नुकसान होगा। उनकी कई फिल्मों की शूटिंग पूरी नहीं हो पाएगी। मुन्ना भाई के साथ साथ कई प्रोड्यूसर को भी इससे तगड़ा झटका लगेगा। संजू बाबा का वादा अधूरा है, पूरा करने के लिए चाहिए और वक्त। आर्म्स एक्ट में दोषी अभिनेता संजय दत्त ने सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है। संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरेंडर के लिए 6 महीने की मोहलत दिए जाने की अपील की है। संजय ने अपनी अर्जी में 7 फिल्मों की शूटिंग बाकी होने और इस पर करोड़ों रुपए लगे होने की बात कही है। उन्होंने अपने निर्माताओं से वादा किया था कि वो हर हाल में उनकी फिल्में पूरी करेंगे, लेकिन अब ये मुश्किल लग रहा है। संजू बाबा ने मानवीय आधार पर सरेंडर की समय सीमा बढ़ाने की कोर्ट से गुजारिश की है। उन्हें कोर्ट में 18 अप्रैल तक सरेंडर करना था। संजय दत्त ने खुद कहा था कि वो तय वक्त के भीतर आत्मसमर्पण कर देंगे। आई विल सरेंडर व्हेन द टाइम इज गिवन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज गिवन मी टाइम टू सरेंडर एंड आई विल सरेंडर एट दैट टाइम। अब मुन्ना भाई को लग रहा है कि इतने वक्त में अधूरी फिल्मों को वो किसी हाल में पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका मूड बदल गया है। हालांकि संजय दत्त की माफी के लिए अपील करने वाले जस्टिस मार्कंडेय कारजू इसे साधारण बात बताते हैं। See, when he made that statement, I saw it on television that he would not apply for pardon. He was a shattered man, you know, he was very depressed. He was not in a proper frame of mind. I can understand. संजय की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। उनकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं, लेकिन संजय दत्त को किसी तरह की राहत देने का विरोध करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उनके लिए कानून की भावना नहीं बदल सकती। यदि वो नहीं करें तो उनके लिए अनिवार्य है हमारे देश के कानून में आस्था बनाने के लिए कि ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी को खारिज करते हैं। वहीं महेश भट्ट का कहना है कि संजय दत्त ने फिल्मों से जुड़े सैकड़ों कलाकारों की खातिर राहत की अपील की है, मगर फिलहाल मुझे लगता है ये हमारा अधिकार है कि हम वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स के साइड पर होकर ये मांग करें हुकूमत से कि इन्हें बाहर रहने दिया जाए जब तक इनकी फिल्में कम्प्लीट न हो। संजय दत्त कोर्ट की जगह जेल में सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन यरवडा जेल ने उनकी अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को गैर कानूनी ढंग से हथियार रखने के मामले में संजय दत्त के दोषी होने पर मुहर लगाई थी और उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 18 अप्रैल के पहले सरेंडर करना है संजू बाबा को और यहां पर 6 महीने की मोहलत मांगी गई है। क्या कोर्ट की ओर से इस बात की इजाजत दी जाएगी, सीधे रुख करेंगे हम। हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा बताइए सुनवाई कब शुरू होगी? बजे होगी, लेकिन उससे पहले 3 और लोग हैं, जेमुनिशा प्लस 2 और लोग हैं जिनमें 10:30 बजे सुनवाई हो सकता है। कोर्ट इन चारों जो मैटर हैं सबको एक साथ भी सुन सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत से संजू बाबा को रिलीफ मिलेगी या नहीं। उन्होंने कहा है कि अब वो पूरी तरह से रिफॉर्म्ड हो चुके हैं, इसके अलावा वो समाज सेवा का भी काम करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उनकी जो फिल्में चल रही हैं उससे 6 ऐसे परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, जिनकी दिहाड़ी भी उनकी फिल्मों की वजह से चल रही है। बॉलीवुड का 278 करोड़ रुपए संजय दत्त पे गए हुए हैं, 7 फिल्में हैं जो अभी पेंडिंग है। लिहाजा संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्हें इन फिल्मों की शूटिंग पूरी करने की इजाजत दी जाए। संजू बाबा ने यह भी कहा है कि 196 दिन वैसे चल रही है। बॉलीवुड का 278 करोड़ रुपए संजय दत्त पे लगे हुए हैं, 7 फिल्में हैं जो अभी पेंडिंग है। लिहाजा संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्हें इन फिल्मों की शूटिंग पूरी करने की इजाजत दी जाए। संजू बाबा ने यह भी कहा है कि 196 दिन का समय लगेगा इन फिल्मों को पूरी करने में, लेकिन वो चाहते हैं कि 180 दिनों की जो मोहलत है, यानी 6 महीने की जो मोहलत है वो दे दी जाए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट इनकी जो एप्लीकेशन है उसको इंटरटेन करता है तो जो रिस्पॉन्डेंट होंगे उनको नोटिस इश्यू होगा। और इसी बीच इनकी तरफ से यह भी कहा जाएगा कि जब तक इस पूरे मामले का डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता सुप्रीम कोर्ट से, तब तक फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस पर एंट्री मिस्टेक की ये मांग करेंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए आशीष, आपका रुख हम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ
मुंबई से संजय दत्त के घर के ठीक बाहर से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश भी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आपसे हम जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सभी की निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी होंगी कि कोर्ट की ओर से क्या वास्तव में रिलीफ दी जाती है या फिर नहीं संजू बाबा को। चित्रा, यहाँ पे सबकी निगाहें उसी बनी हुई है। यहाँ पे जो फिल्म निर्माता वो भी आज उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला जो अपील की गई 6 महीने की मोहलत की, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ जरूर समा दे, क्योंकि जो पैसा लगाया गया है वो पैसा कैसे भी निकालना है। और सुप्रीम कोर्ट के मानवीय आधार पर हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट कुछ समय संजय दत्त को सरेंडर करने को दे सकती है, उसी पर उम्मीदें बनी हुई है। मैं संजय दत्त के घर के सामने का आपको दिखा रहा हूँ दृश्य, कि यहाँ पे जिस तरह से पर्दे, यहाँ पे जिस तरह से मीडिया यहाँ पे इकट्ठी हुई है उसको देखते हुए यहाँ पर्दे लगा दिए गए, कोई ताक झाक ना करे, अंदर जाए नहीं। इसको देखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं नीले नीले कलर का पूरा पर्दा लगा दिया गया है। हालांकि संजय दत्त घर पे ही है, जो जानकारी मिल रही है कि 11 बजे के बाद वो निकलेगा यहाँ पे शूटिंग के लिए जाना है, लेकिन यहाँ पे उनके घर के सामने पूरा पर्दा से ढक दिया गया है, कोई भी ताक झाक ना करे। इसको देखते हुए यहाँ पूरे से पर्दे से, नीले पर्दे से पूरी तरह से ढक दिया गया है। जी बिल्कुल, समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर आज की बात हम छोड़ दें संजय बाबा को सरेंडर करने में, इस वजह से शूटिंग को जल्द से जल्द वो पूरी कर लेना चाहते हैं, इसी वजह से आप न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या राहत मिल पाएगी आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से संजू बाबा को? आशीष, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, अभी तक का क्या कोई ऐसा मामला सामने आया है जब अदालत की ओर से इस आधार पर किसी भी दोषी व्यक्ति को राहत दे दी जाए या सरेंडर करने के लिए मोहलत दे दी जाए, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा काम पड़े हुए हैं और उसकी वजह से न सिर्फ उसे बल्कि बाकी और दूसरे लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है?